हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसिंग डिसीज के बारे में। दरअसल इसका असली नाम है मोनोन्यूक्लियोसिस। इसे किसिंग डिसीज कहा जाता है क्योंकि ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को किस करने से फैलता है या उनकी ड्रिंक्स शेयर करने से। वैसे तो ये ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस इसको ज़्यादा डेंजरस बनाते हैं। इसके कॉजेज की बात करें तो ये एप्स्टीन-बार वायरस EBV की वजह से होता है। ये वायरस बॉडीली फ्लूइड्स से फैलता है जैसे कि सलाइवा, और इसी के कारण ये किस करने से और फूड या ड्रिंक्स शेयर करने से फैलता है। रेयर केसेस में अगर इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास छींकता है या खांसता है तो भी ये आपके बॉडी में आ सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। EBV होने के 4 to 7 weeks में सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, फैटिक, सोर थ्रोट, स्वॉलन लिम्फ नोड्स और लॉस ऑफ एपेटाइट। मोनोन्यूक्लियोसिस के कॉम्प्लिकेशंस: स्वॉलन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की सूजन की वजह से निकलने में और मुंह से सांस लेने में दिक्कत होती है। एनलार्ज्ड स्प्लीन, स्प्लीन की सूजन ज़्यादा बढ़ने पर यह फट सकता है जिस वजह से लेफ्ट एब्डोमिनल रीजन में सीवियर पेन होता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, ऐसे वक्त में सर्जरी करनी पड़ती है। लिवर प्रॉब्लम्स, आपको जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हो सकता है। ब्लड प्रॉब्लम्स, आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, और प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, आपके हार्ट मसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, इसमें सीजर्स, एन्सेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मोनोन्यूक्लियोसिस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स का एप्स्टीन-बार वायरस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन आपकी तकलीफ दूर करने के लिए और आपको बेटर फील कराने के लिए आपको बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। आपको फ्लूइड्स दिए जाते हैं। फीवर और पेन के लिए एसिटामिनोफेन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। गले की स्वेलिंग के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इसके प्रिवेंशन की बात करें तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ये वायरस आपके सलाइवा में महीनों तक रहता है तो आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धोने चाहिए, और किसी के साथ ड्रिंक्स और फूड शेयर नहीं करना चाहिए, और किसके साथ टूथब्रश वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी किसिंग डिसीज के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।